हो गया शायद 5। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु नरसिंह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। F1 स्पेशल सीरीज में हम बात कर रहे थे, हमने वाइटल साइन पढ़े और प्रोसीजर्स पढ़े, लास्ट हमने पढ़ा था थोराकोसिंथेसिस। आज हम उसी से रिलेटेड कोई टॉपिक की बात करेंगे, दैट्स अबाउट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। किसकी बात करेंगे? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की बात करेंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, और टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज हम देखेंगे, उन्हीं एमसीक्यूज के रैशनल के साथ साथ हम टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे। ठीक है, एग्जाम में चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज से कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, वो सारी कंडीशंस हमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिफाइन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज? पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज होता क्या है, कहते किसे हैं, क्यों करते हैं? ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज नाम से ही बता रहा है कि कैसा प्रोसीजर है। इट इज अ ड्रेनेज प्रोसीजर। भैया नाम में ही तीन चीजें दी है, चेस्ट ट्यूब और ड्रेनेज। अगर नाम की मैं बात करूं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की, तो ये प्रोसीजर अपने आप में आपसे ये कहना चाहता है कि कहां से डील करेंगे, चेस्ट के बारे में डील करेंगे। और चेस्ट का बेसिक ऑर्गन क्या है? लंग्स है। ठीक है, और लंग्स की अगर मैं बात करूं तो लंग्स से क्या करना है, कुछ ड्रेन करना है। अब ड्रेन किसको किया जाता है? किसी फ्लूड को ड्रेन किया जाता है। ठीक है, अब चेस्ट में अगर फ्लूड होगा तो कहां प्रेजेंट होगा? लंग्स के प्लूरल स्पेस में। अरे भैया प्लूरल स्पेस में प्लूरल फ्लूड प्रेजेंट होता है, और प्लूरल फ्लूड को ड्रेन करना, ठीक है, किसके थ्रू? बाय द ट्यूब। आप एक ट्यूब ले रहे हैं, उस ट्यूब को कहां इंसर्ट कर रहे हैं? वेरी गुड इवनिंग। ट्यूब को कहां इंसर्ट करेंगे? चेस्ट में इंसर्ट करेंगे, और चेस्ट में इंसर्ट करके आप किसको रिमूव आउट करेंगे, ड्रेन आउट करेंगे? प्लूरल फ्लूड को ड्रेन आउट करेंगे। अब ये प्लूरल फ्लूड भी कैसा होगा? जब आपका प्लूरल फ्लूड क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा।
भाई जब आपके प्लूरल स्पेस में ज्यादा फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाएगा किसी भी कारण से, जैसे कोई ट्रॉमा हुआ, कोई चोट लगी, तो उसकी वजह से वहां पर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया, वहां पर लिम्फ का एक्यूमुलेशन हो गया, वहां पर हाइड्रो का एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। तो इन एनी हाउ कंडीशन अगर आपके प्लूरल स्पेस में किसी तरीके का फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, चेस्ट के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट कराएंगे और वो ट्यूब क्या करेगी, उस एक्सेसिव फ्लूड को बाहर निकालेगी। इसी प्रोसीजर को हम क्या कह देते हैं, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज प्रोसीजर। अब बच्चों ध्यान रखना कि ट्यूब अगर आपको इंसर्ट करनी है तो ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंसीजन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इंसीजन बनाना पड़ेगा। अब इंसीजन कहाँ बनाओगे, आप अपने इंटरकोस्टल स्पेस में बनाओगे। इंसीजन बनाने के लिए ध्यान रखना 10 नंबर ब्लेड यूज करते हैं अपन, 10 नंबर की ब्लेड यूज लेंगे। 10 नंबर की ब्लेड से हम क्या बनाएंगे, आपके इंटरकोस्टल स्पेस में एक इंसीजन बनाएंगे और वहां पर क्या इंसर्ट करा देंगे, ट्यूब इंसर्ट करा देंगे। रह जाएगी बात ध्यान, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपसे क्या कहना चाह रहा है, ऑप्शन आपसे कहना चाह रहा है एन इनवेसिव प्रोसीजर टू रिमूव एक्सेसिव फ्लूड और एयर फ्रॉम प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस से एक इनवेसिव प्रोसीजर के थ्रू फ्लूड को बाहर निकालना। नॉन इनवेसिव प्रोसीजर टू रिमूव टिश्यू फ्रॉम प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस से टिश्यू को बाहर निकालना। इंसीजन थ्रू ब्लेड टू रिमूव पेरिटोनियल फ्लूड। अरे भैया एब्डोमिनल में अगर आप इंसर्ट करते एब्डोमिनल फ्लूड आप निकालते, पेरिटोनियम कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, तो आप क्या होता, पेरिटोनियल फ्लूड होता। नेक्स्ट इज सर्जिकल ड्रेन। कैसा प्रोसीजर है, सर्जिकल ड्रेन इंसर्टेड थ्रू चेस्ट वॉल इनटू प्लूरल स्पेस टू रिमूव क्लिनिकली अनडिजायरेबल। पहला पहला हाँ क्या बात कर रहे थे अपन, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज क्या है, किसका रिमूवल है, क्लिनिकली अनडिजायरेबल सब्सटेंस। देखो बच्चों आपकी जो चेस्ट है, चेस्ट वॉल में आप क्या बनाएंगे, चेस्ट वॉल में क्या बनाया जाएगा, इंसीजन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, इंसीजन बनाया जाएगा। इंसीजन जब आप बनाएंगे तो कहां के लिए बनाएंगे, प्लूरल स्पेस के लिए बनाएंगे, और प्लूरल स्पेस के अंदर कैसा फ्लूड है, क्लिनिकली अनडिजायर, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल प्लूरल फ्लूड है वो कितना होता है, 10 to 20 ml, पर अगर ये ज्यादा हो गया या इसमें ब्लड आ गया, पस आ गया, या फिर क्या हो गया, लिम्फ आ गया, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको रिमूव आउट करेंगे। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज क्या होगा,
चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करेंगे, चेस्ट वॉल से प्लूरल स्पेस में एक ट्यूब को इंसर्ट कराएंगे अनडिजायरेबल फ्लूड को बाहर निकालने के लिए। तो डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, आप सभी को भी अपना अपना आंसर पुट करना है। जब तक आप आंसर पुट नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हमें सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ए सर्जिकल ड्रेन इंसर्टेड इनटू प्लूरल स्पेस टू रिमूव अनडिजायर्ड एक्सेस फ्लूड और एयर फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस इज नोन एज, सेम वही डेफिनेशन आ गई कि थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए आपने क्या किया, प्लूरल स्पेस में कोई चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कराई है और वो ट्यूब क्या कर रही है, उस एक्सेसिव फ्लूड को ड्रेन आउट कर रही है, तो उसको हम क्या कह देंगे, ट्यूब थोरेकोस्टोमी, इंटरकोस्टल ड्रेन, इंटरकोस्टल कैथेटर, इंटरप्लूरल चेस्ट ट्यूब या फिर ऑल ऑफ द अबव। सभी अभी अपना अपना आंसर दें। तो देखो बच्चों, अब अगर हम नाम की बात करें तो पहला नाम क्या कह रहा है, ट्यूब थोरेकोस्टोमी, मतलब चेस्ट रीजन पर आप क्या बना रहे हैं, एक ओपनिंग बना रहे हैं, चेस्ट पे क्या बना रहे हैं, ओपनिंग बना रहे हैं, और ओपनिंग करके क्या आपने क्या डाल दी, ट्यूब डाल दी। तो यही तो हमारा प्रोसीजर था चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। इंटरकोस्टल ड्रेन, जो चेस्ट ट्यूब आप डाल रहे हैं वो कहां से डाल रहे हैं, इंटरकोस्टल स्पेस में डाल रहे हैं, तो उसको क्या कह सकते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेन या चेस्ट ट्यूब ड्रेन। इंटरकोस्टल कैथेटर, उस ट्यूब क्या है, एक तरीके का कैथेटर है। इंट्रा प्लूरल चेस्ट ट्यूब, ठीक है, मतलब इंट्रा प्लूरल, प्लूरल कैविटी के अंदर ही तो हम क्या डाल रहे हैं, प्लूरल स्पेस के अंदर ही तो हम क्या डाल रहे हैं, चेस्ट ट्यूब डाल रहे हैं। ठीक है, अगर एक नाम और बात करूं, ट्रोकेट ट्यूब भी कहते हैं अपन इसको, जो चेस्ट ट्यूब आती है, या फिर ब्लू ट्यूब। ठीक है, ये दो नाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं किसके लिए, इंटरकोस्टल ड्रेन ट्यूब के लिए। तो ये सभी आंसर रहेंगे, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर रहेगा, द ई विल बी योर राइट आंसर। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज पढ़ा, क्या होता है, क्यों होता है, उसके प्रोसीजर पढ़े, सही जवाब दिया बच्चा आपने, ई आपका सही जवाब होगा। हाँ देखो, ये जो आपका चेस्ट है ये आपकी रिप्स हो गई। एक बात ध्यान रखना बच्चों, रिप्स के दो रिप्स जब आपके पास हों तो ध्यान रखना बच्चा, हम कहाँ इंसर्ट करवाएंगे ट्यूब को। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कहाँ आपको इंसर्ट करवानी है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि हम कभी भी फर्स्ट रिब के लोअर की तरफ इंसर्ट नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई प्रेजेंट होगी, तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर की तरफ हम क्या करवाएंगे, ट्यूब को इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, अगर बात करूँ मैं, ये जो आपका प्लूरल स्पेस है, इस प्लूरल स्पेस में क्या प्रेजेंट है, किसी भी तरीके का प्लूरल फ्लूड। अब अगर ये एक्सेस हो जाएगा तो ये देख रहे हैं आप लंग्स, अगर ये ब्लैक होता तो क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। अगर ये वाइट है तो वाइट का मतलब क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर फ्लूड प्रेजेंट है। ठीक है, रह जाएगी बात ध्यान। तो ये क्या हो गए, चेस्ट आपके कंप्रेस हो चुके हैं। कंप्रेस क्यों हो गए, क्योंकि यहां पर क्या भर गया, फ्लूड या फिर एयर भर गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूरल फ्लूड आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपका जो प्लूरल फ्लूड है उसमें कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टी है और कौन सा उसका पार्ट नहीं है। इट प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन प्लूरा, आपकी जो दो लेयर हैं प्लूरा की, पैराइटल प्लूरा और विस्लर प्लूरा। पैराइटल किधर होती है, चेस्ट वॉल की तरफ होती है, विस्लर वाली कहाँ होती है, लंग्स की तरफ होती है। तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा, प्लूरल फ्लूड करेगा। द प्रोटेक्टिव फ्लूड प्रेजेंट इन द प्लूरल स्पेस क्वेश्चन का काम करता है, आपके लंग्स को ट्रॉमा से और इन सारी चीजों से बचाता है, प्रोटेक्शन का काम करेगा। द पीएच इज 7.60, ये कैसा है, बेसिक इन नेचर, कैसा है, बेसिक इन नेचर। द नॉर्मल वैल्यू इज अबाउट 80 to 100 ml, 80 to 100 ml इसकी नॉर्मल वैल्यू नहीं होती है। नॉर्मल कितना होता है, 15 to 20 ml, कितना होगा, 15 to 20 ml। तो सही जवाब की अगर अपन बात करें तो ए क्या होगा आपका, सही जवाब।
ठीक है बच्चा, द ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज प्रोसीजर फॉर द पेशेंट विद न्यूमोथोरैक्स। कंडीशन कैसी दी गई है आपको, क्वेश्चन आपसे पेशेंट कैसा है, न्यूमोथोरैक्स का पेशेंट है। न्यूमोथोरैक्स का पेशेंट है मतलब क्या फिल हो गया है, प्लूरल स्पेस में एयर फिल हो गया है। अगर एयर फिल हो गया है तो इन दैट कंडीशन हम उसको रिमूवल के लिए चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज देंगे, और उस प्रोसीजर के लिए क्या क्या इंडिकेशंस हैं, या आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट कैसा है, न्यूमोथोरैक्स का है, और उसके अंदर आपको क्या देना है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का प्रोसीजर कंडक्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन इज डिमाइनाइज्ड ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड। देखो ट्रेकिया से क्या आ रहे हैं, आपके लंग्स हैं। अब बच्चों ध्यान रखना कि आपके जो लंग्स हैं, जिस भी लंग्स में क्या प्रेजेंट है, एक्सेसिव एयर प्रेजेंट है, तो एयर क्या होगी, उसके उसके पार्ट को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। और जहां एयर फिल्ड होगी, जिस एरिया में फिल्ड होगी, जिस लंग्स में फिल्ड होगी, उस लंग्स में अफेक्टेड साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, डिमाइनाइज्ड ब्रीथ साउंड। पहली चीज, आपका जो साउंड होगा वो क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा। जिस साइड एयर प्रेजेंट है, न्यूमोथोरेक्स है पेशेंट में, तो उस पेशेंट में उस साइड से आपको किसी भी तरीके का साउंड आना बंद हो जाएगा, साउंड नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड थिंग, नो डिक्रीज चेस्ट वॉल मूवमेंट ऑन अफेक्टेड साइड। जो चेस्ट का मूवमेंट है वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो मूवमेंट एब्सेंट हो जाएगा। क्यों एब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि जो लंग्स है वो कैसे हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, कोलैप्स होने की कंडीशन में होंगे, और वहां पर ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। ये भी सही बात है। डिस्निया एंड डिक्रीज SpO2, सिंपल सी चीज जो आपको देखने को मिलेगी कि अगर प्रॉपर लंग एक्सपांड नहीं कर पा रहे हैं तो पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होंगी, मतलब डिस्निया देखने को मिलेगा। और अगर डिस्निया हो रहा है, लंग्स प्रॉपर एक्सपांड नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, पेशेंट को जो ब्रीथिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। ब्रीथिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो जो ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है सेल्स और टिश्यूज को, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी, और उसकी वजह से आपको क्या डिक्रीज देखने को मिलेगा, SpO2। आपके ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल सेचुरेशन है वो आपको कहीं ना कहीं डिक्रीज डाउन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज टेकीकार्डिया एंड टेकीपीनिया। टेकीपीनिया क्यों होगा, जब आपको डिस्निया होगा तो आप ब्रीथिंग नीड को पूरी करने के लिए बार बार फोर्सफुली इनहेल करेंगे, शॉर्ट ब्रीथ लेंगे, रैपिडली ब्रीथ लेंगे, तो आपकी क्या हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, और उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टेकीपीनिया। और आपकी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज को जो ब्लड सप्लाई के साथ ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो रही है, उसको फिलअप करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया में क्या होगा, हमारा ब्लड फास्टली पंप आउट करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड सेल्स और टिश्यूज को पहुंचा सके। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ई विल बी योर राइट आंसर, ठीक है बच्चा। न्यूमोथोरेक्स के पेशेंट में आपको डिस्निया देखने को मिलेगा, टेकीपीनिया टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, सैचुरेशन डाउन देखने को मिलेगा, अफेक्टेड साइड का मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही उस तरफ आपको ब्रीथ साउंड सुनाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्या कहना चाहता है, नॉर्मली इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इज कैप्ट फॉर हाउ मेनी डेज। देखो हम थोरेकोसिंटेसिस जो प्रोसीजर करते हैं, थोरेकोसिंटेसिस प्रोसीजर क्यों किया जाता है, फॉर द, ये एक 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होगा जो प्लूरल स्पेस से एक्सेसिव फ्लूइड और एयर को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, पर अगर वहां पर फ्लूइड एक्सेस है, ज्यादा टाइम तक अगर हमें यूज करना है, तो फिर ज्यादा टाइम तक यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कराएंगे, क्या कराएंगे, इंटरकोस्टल ड्रेनेज का यूज करेंगे। तो इसका टाइम कितना होता है, तो अगर मैं बात करूं तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज आपको कितने टाइम के लिए यूज करनी है, 3 to 5 days के लिए मैक्सिमम यूज करनी है। अगर आप इससे ज्यादा यूज करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चा। हाँ अगर मैं बात करूं साइट की कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में आप जो ट्यूब है उसको कहाँ इंसर्ट करोगे, तो मैंने आपको थोरेकोसिंटेसिस में पहले भी बताया था कि हम क्या बनाएंगे, एक सेफ्टी ट्रायंगल बनाएंगे, और सेफ्टी ट्रायंगल में क्या होगा,
देखो ये क्या है, ये है आपके निप्पल, क्या है निप्पल है, ठीक है। ये क्या पार्ट है, इट इज अ बेस ऑफ एक्सिला, कौन सा पार्ट है, बेस ऑफ एक्सिला, आपके एक्सिला का बेस वाला पार्ट है। लेटरल साइड देखेंगे तो क्या देखेंगे, निप्पल को देखेंगे, और उसके अनदर साइड अगर आप देखोगे तो कौन सी मसल देखने को मिलेगी आपको, द मसल विल बी लैटिसिमस डॉर्सी, ठीक है बच्चा। तो ये तीन क्राइटेरिया आप देखेंगे कि लेटरल साइड में आपको निप्पल देखने को मिलेगा, सेकंड अपोजिट साइड आपको लैटिसिमस डॉर्सी देखने को मिलेगा, अपर साइड आपको बेस ऑफ एक्सिला देखने को मिलेगा, लोअर साइड की मैं बात करूं तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉपर साइट है जहां आप किसके लिए है, ये न्यूमोथोरेक्स के लिए, किसके लिए है, न्यूमोथोरेक्स के लिए, ठीक है बच्चों। न्यूमोथोरेक्स के लिए हम सेकंड टू थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस यूज करते हैं, सेकंड एंड थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, कॉमनली मेजरली फोर्थ एंड फिफ्थ आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, और सेवन से नाइन आप किसके लिए करते हैं, फ्लूड के लिए इंसर्ट करते हैं। हृदय की बात ध्यान, सेफ्टी ट्रायंगल आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में द वॉटर सील ड्रेनेज, एक नया नाम आपको जानने को मिला, वॉटर सील ड्रेनेज बॉटल शुड बी, यहां हम बात कर रहे थे चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज प्रोसीजर की, तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में ही अगर हमने एक नया नाम देखा तो उसको क्या कह देते हैं, वॉटर सील ड्रेनेज। इसी का दूसरा नाम है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का, वॉटर सील का मतलब कहीं ना कहीं हमें वॉटर की जरूरत है, हम इसमें दो बॉटल भी ले सकते हैं या फिर कई बार थ्री बॉटल या चैम्बर भी हम यूज करते हैं, और चैम्बर रह जाएगी बच्चों ध्यान बात, तीन चैम्बर या दो चैम्बर हम लेते हैं, अगर दो हम लेते हैं तो एक ड्रेन चैम्बर होता है, एक सक्शन चैम्बर होता है, और एक आपका वॉटर सील चैम्बर होता है, रह जाएगी बात ध्यान बच्चों। तीन चैम्बर आपको देखने को मिलेंगे, इनमें जो वॉटर सील होता है, वॉटर सील क्या करता है, इट एक्ट एज एन वन वे वॉल्व। आप जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज इंसर्ट कराएंगे तो वो आपके चेस्ट प्लूरल कैविटी के अंदर के एक्सेसिव फ्लूड को बाहर निकालेगी, वॉटर सील की वजह से वो फ्लूड वापस से प्लूरल कैविटी में नहीं जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पेशेंट के चेस्ट से ट्यूब कहाँ आ रही है, आपके ड्रेनेज चैम्बर में आ रही है, और ड्रेनेज चैम्बर में अगर आपकी ट्यूब आएगी तो कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि आपको जो चैम्बर है वो कहाँ रखना है, बिलो द चेस्ट लेवल, बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर आप ऊपर रखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूड का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, एट द लेवल ऑफ चेस्ट, अगर एट द लेवल होगा तो बैक फ्लो प्लूरल कैविटी में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, बी आपने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल इज कॉल्ड, आपके लंग्स और चेस्ट के बीच में जो कैविटी है वो कैविटी किससे बनी है, प्लूरा से मिलकर बनी है, और प्लूरा की दो लेयर होती है, ठीक है, प्लूरा की दो कौन सी लेयर है, एक पैराइटल लेयर है और एक कौन सी लेयर है, विसरल लेयर है, और इन दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस है, उस स्पेस को क्या कह देते हैं अपन, प्लूरल स्पेस, क्या कह देंगे, प्लूरल स्पेस कह देंगे, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर स्पेस नहीं होगा, कार्डियक स्पेस भी नहीं होगा, पल्मोनरी स्पेस भी नहीं होगा, द राइट टर्म विल बी क्या होगी, प्लूरल स्पेस, डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है बच्चों, आपका जवाब डी होगा, बी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टू मच फ्लूड और एयर इन द प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड, प्लूरल स्पेस में जो फ्लूड प्रेजेंट होगा उसको क्या कह दिया जाएगा, प्लूरल फ्लूड, और अगर ये प्लूरल फ्लूड बढ़ जाता है इसके इंक्रीज लेवल को क्या कह दिया जाता है, प्लूरल इफ्यूजन, क्या कह दिया जाता है,
प्लूरल इफ्यूजन, क्या कह देंगे? प्लूरल इफ्यूजन, बी जो है आपका सही जवाब होगा। दोनों के बीच में प्लूरल कैविटी में जो फ्लूड एक्युमुलेट हो जाएगा या एयर एक्युमुलेशन हो जाएगी उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे? प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें ऑन ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन पे विच फाइंडिंग सजेस्ट ए राइट न्यूमोथोरेक्स। कोई पेशेंट है, उस पेशेंट में आपने क्या किया है? ऑस्कल्टेशन किया है। क्या किया है? ऑस्कल्टेशन किया है। जब पेशेंट पे आपने ऑस्कल्टेशन किया तो आपने पाया कि पेशेंट को राइट न्यूमोथोरेक्स है। कौन सा न्यूमोथोरेक्स है? राइट न्यूमोथोरेक्स है। राइट न्यूमोथोरेक्स का मतलब उसके राइट लंग्स कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। तो ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो ये जस्टिफाई करती है कि पेशेंट किससे डील कर रहा है? राइट न्यूमोथोरेक्स के कंडीशन से डील कर रहा है। ठीक है, अगर ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन क्या कह रहा है? द बाइलेटरल इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी क्रैकल्स, मतलब जब आप सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्रैकल्स देखने को मिल रहा है। इंस्पिरेटरी वीजेस इन द राइट थोरेक्स, जब आप इंस्पिरेशन करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे तो आपको राइट थोरेक्स पे क्या देखने को मिलेगा? विसल साउंड, वीजिंग साउंड देखने को मिलेगा। थर्ड ऑप्शन इज बाइलेटरल प्लूरल फ्रिक्शन रब। फ्रिक्शन रब क्या होता है? जब आपका प्लूरल फ्लूड कम हो जाता है और दोनों जो लेयर हैं पराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा दोनों के बीच में क्या होना लग जाएगा? फ्रिक्शन होने लग जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन रब कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है डिमाइनिश्ड और एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड इन द राइट साइड। तो सही ऑप्शन यही है कि आपका जो राइट साइड का लंग्स होगा उस राइट साइड के लंग्स में क्या देखने को मिलेगा? न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में उस राइट साइड के लंग्स में आपको क्या सुनने को नहीं मिलेगा? साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। पेशेंट को डिस्निया देखने को मिलेगा, चेस्ट मूवमेंट अफेक्टेड होगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में राइट ऑप्शन क्या होगा कि आपको राइट साइड में ब्रीथ साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है, द डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ए पेशेंट विद एन ओपनिंग इन द चेस्ट वॉल सच एज फ्रॉम गनशॉट। आपकी जो चेस्ट वॉल है उसमें एक ओपनिंग बनाई गई है और वो ओपनिंग किसकी वजह से बनी है? फ्रॉम ए गनशॉट, स्टैब वुंड या फिर इम्पेलमेंट। तीन चीजों के नाम दिए गए हैं। गनशॉट आपको पता है किसी ने गोली चलाई हो। स्टैब वुंड की मैं बात करूं तो स्टैब वुंड के लिए हम एक टर्म यूज कर सकते हैं पंक्चर वुंड, पंक्चर वुंड। इम्पेलमेंट का मतलब होता है जब आप इंटेंशनली किसी को पंक्चर कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो इम्पेलमेंट रिजल्टिंग इन ए सकिंग चेस्ट वुंड, क्या देखने को मिल रहा है? सकिंग चेस्ट वुंड। कैन बी सेड टू हैव। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जब आप गोली चलाएंगे इम्पेलमेंट होगा या फिर स्टैब वुंड आपको देखने को मिलेगा, तो उसकी वजह से गनशॉट की वजह से आपकी चेस्ट कैविटी में, चेस्ट वॉल में एक ओपनिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चा? ओपनिंग बन जाएगी। और वो ओपनिंग क्या क्रिएट करेगी? एयर का मूवमेंट क्रिएट करेगी और उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? ओपन न्यूमोथोरेक्स। क्या देखने को मिलेगा बच्चा? ओपन न्यूमोथोरेक्स। एयर का फिलअप हो जाएगा वहां पर ज्यादा, और ज्यादा फिलअप की वजह से आपके जो क्या होंगे, बी बच्चा ओपन न्यूमोथोरेक्स होगा, क्लोज्ड न्यूमोथोरेक्स नहीं होगा। गनशॉट है, आपने डायरेक्ट ओपनिंग बना दी है आउटर एनवायरनमेंट के और प्लूरल कैविटी के बीच में, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? वहां पर एयर का एक्सेसिव एक्युमुलेशन, और उसकी वजह से आपके लंग्स प्रॉपर एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। तो ओपन न्यूमोथोरेक्स जो होगा आपका सही जवाब होगा, ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ह्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होगा? जब गनशॉट की वजह से वहां पर ब्लीडिंग का एक्युमुलेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, अ पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है मतलब चेस्ट
ट्यूब ड्रेनेज प्रोसीजर आपका लाइफ सेविंग प्रोसीजर है एक तरीके का, ठीक है। तो लाइफ पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन विच एयर एंड प्रेशर, कैसी कंडीशन है, एयर एंड प्रेशर रैपिडली एक्यूमुलेट इन प्लूरल स्पेस एंड इफ नॉट ट्रीटेड, आपकी प्लूरल कैविटी में एयर प्रेशर बढ़ रहा है और अगर आपने उसको ठीक नहीं किया है, दैट कैन बी रिजल्ट इन अ मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट। मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, जब दोनों लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच के ओपन स्पेस को हम क्या कहते हैं, मीडिया एक्सटर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मीडिया एक्सटर्नम कहते हैं। और वहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो जब भी आपके लंग्स में क्या प्रेजेंट हो जाएगा, एक्सेसिव एयर प्रेजेंट हो जाएगी, तो वो एयर क्या करेगी, एक प्रेशर क्रिएट करेगी। जब वो प्रेशर क्रिएट करेगी तो वो प्रेशर किस साइड जाएगा, मीडिया एक्सटर्नल की तरफ जाएगा। एक्सेसिव प्रेशर अगर आपने ठीक नहीं किया तो वो प्रेशर बढ़ के क्या करने लगेगा, आपके मीडिया एक्सटर्नम को एक तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा और उसकी वजह से आपके हार्ट की और लंग्स की जो फंक्शनिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चा, अल्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेसिव प्रेशर जहां पर पड़ रहा है तो प्रेशर की वजह से हम वर्ड यूज करेंगे टेंशन न्यूमोथोरेक्स। तो सी जो है आपका सही जवाब होगा। यहां पर दो टर्म आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी, एट्रोजेनिक और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। स्पॉन्टेनियस की अगर मैं बात करूं तो स्पॉन्टेनियस जो न्यूमोथोरेक्स है वो किसी भी वजह से हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, किसी एट्रोजेनिक कंडीशन की वजह से हो सकता है। एट्रोजेनिक का मतलब है कि अनइंटेंशनली किसी सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान आपसे क्या हो गई, कोई गलती हो गई और उसकी वजह से क्या क्रिएट होगी, न्यूमोथोरेक्स क्रिएट हो गई, ठीक है बच्चा, याद रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज लाइकली टू रिजल्ट इन द एब्सेंस ऑफ फ्लक्चुएशन, इन द एब्सेंस ऑफ फ्लक्चुएशन इन द चेस्ट एज, चेस्ट ड्रेनेज ट्यूबिंग। आपकी जो चेस्ट ड्रेनेज ट्यूबिंग है उसमें याद करो मैंने तीन बॉटल बताई थी, ये सक्शन की है, ये वाटर सील है और ये ड्रेन है। अगर आपसे पूछा जाए कि एब्सेंस ऑफ फ्लक्चुएशन, तो ध्यान रखना बच्चों आपकी चेस्ट चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब में क्या देखने को मिलेगा, आपको ऑसिलेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ऑसिलेशन देखने को मिलेगा। ऑसिलेशन इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ऑसिलेशन क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर, फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर। इस फ्लक्चुएशन के लिए एक टाइडल वॉल्यूम, टाइडिंग भी अपन वर्ड यूज करते हैं। तो अगर आपके ड्रेनेज, आपके चैम्बर के अंदर ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर कॉलम हो रहा है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है। अगर फ्लक्चुएशन है तो ये क्या है, नॉर्मल है, पर अगर ये एब्सेंट है तो ये क्या है, एबनॉर्मल है। अब एबनॉर्मल का मतलब क्या होगा, एबनॉर्मल की कैसी कैसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, तो एबनॉर्मल में देखो ऑसिलेशन है, आपने चेस्ट ट्यूब क्यों डाली, क्योंकि आपको क्या करना है, एक्सेसिव फ्लूड को बाहर निकालना है। तो जब भी याद रखें अगर आपके फ्लक्चुएशन एब्सेंट हो गए हैं तो एबनॉर्मल कंडीशन है। और एबनॉर्मल कंडीशन क्या क्या देखने को मिलेंगी, दो कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है कि सबसे पहली आपकी ट्यूब क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, या फिर आपके जो चेस्ट है वो प्रॉपर एक्सपांड हो चुका है फुली, आपको किसी भी तरीके का प्लूरल इफ्यूजन वहां पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, द ट्यूबिंग इज कॉइल्ड ऑन द बेड विद अ स्ट्रेट पाथ टू द चेस्ट ड्रेनेज, द ट्यूबिंग इज ब्लॉक्ड, द पेशेंट इज रिसीविंग पॉजिटिव प्रेशर, द पेशेंट एम्बुलेटरी। तो राइट आंसर क्या होगा, जो बी जो है आपका सही जवाब होगा, कि अगर फ्लक्चुएशन एब्सेंट है तो फ्लक्चुएशन एब्सेंट की कंडीशन क्या शो करेगी, कि आपकी ट्यूब या तो ब्लॉकेज है या फिर आपके चेस्ट कंप्लीटली एक्सपांड हो चुके हैं। बी आपने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
व्हेन इट इज बेनिफिशियल टू क्लैंप ए पेशेंट्स चेस्ट ट्यूब। कंडीशन कह रही है कि आपको चेस्ट ट्यूब को क्लैंप कब करना है। तो बच्चों ध्यान रखना, आपको चेस्ट ट्यूब क्लैंप कब करनी पड़ेगी, जब आप बैग जो ड्रेन बैग है उसको एम्प्टी कर रहे हैं या फिर ट्यूब मैनिपुलेशन की कंडीशन हो गई है। ट्यूब मैनिपुलेशन मतलब आपके जो चैम्बर से है, जब पेशेंट को आप शिफ्ट कर रहे हैं तो वो जो ट्यूब है वो कहीं ना कहीं से बाहर आ गई है चैम्बर से, इन दैट कंडीशन आपको क्लैंप करना पड़ेगा। बट ध्यान रखना, अगर आपने प्रोलॉन्ग्ड कर दी, अगर आपने पेशेंट में चेस्ट ट्यूब को प्रोलॉन्ग्ड क्लैंप कर दी, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन आपको क्या करने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। क्या होगा, आपके जो है प्रोलॉन्ग्ड क्लैंप करने की वजह से टेंशन न्यूमोथोरेक्स देखने को मिलेगा। व्हेन इट इज बेनिफिशियरी, कब जो है ये कंडीशन बेनिफिशियर है कि आपको कब इसका फायदा है क्लैंप करने का। द व्हेन ऑर्डर बाय एससीपी टू स्टिमुलेट ट्यूब रिमूवल एंड असेस द पेशेंट्स रिस्पॉन्स। एससीपी क्या होता है, इट इज एन हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जब आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको ऑर्डर कर रहा है टू सिमुलेट ट्यूब रिमूवल, कि आपको ट्यूब रिमूव करनी है, अब ट्यूब रिमूव कब करनी है आपको, जब आपका जो ट्यूब का फंक्शनिंग था वो प्रॉपर हो चुका है, ठीक है, एंड असेस द पेशेंट रिस्पॉन्स, कि अब पेशेंट विदाउट ट्यूब रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, असेस करेंगे और क्लैंप करेंगे ट्यूब को, ये आपके बेनिफिशियरी रहेगा। पेशेंट की ट्यूब को क्लैंप करना कभी भी फायदेमंद नहीं रहेगा। व्हेन एम्बुलेटिंग ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट विद ए चेस्ट ट्यूब, पेशेंट लीव नर्सिंग यूनिट एंड कैन नॉट मॉनिटर, ऐसा नहीं होगा। हमें पहले पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है और उसकी जरूरत देखनी है, ठीक है। तो ए आपका जो है सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट ए चेस्ट ट्यूब मे बी रिमूव्ड, ऐसा कौन सा साइन है, ऐसा कौन सा इंडिकेशन है जो ये बताता है कि आपकी जो चेस्ट ट्यूब है वो रिमूव आउट हो चुकी है, ठीक है। बबलिंग इन द वॉटर सील हैज बीन एबसेंट फॉर 24 आवर, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द ड्रेनेज इज अप्रोक्सीमेटली 100 ml/h इन पेशेंट विद प्लूरल चेस्ट ट्यूब फॉलोइंग स्पाइनल इंजरी। किसी पेशेंट में स्पाइनल इंजरी हुई है और उसमें प्लूरल फ्लूड कितना आ रहा है, 100 ml/h आ रहा है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। ये नहीं बताएगा कि ट्यूब रिमूव हो गई। द चेस्ट रेडियोग्राफ शो ओनली ए स्मॉल रेजिडुअल न्यूमोथोरेक्स इन पेशेंट रिक्वायरिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन, कि पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन चाहिए, हम उसका क्या कर रहे हैं, चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं और वो हमें ये बता रहे हैं कि हमें न्यूमोथोरेक्स वो चेस्ट को रिमूव हो जाना चाहिए। द फ्लक्चुएशन इन अ वाटर सील आर अबाउट 2 to 4 cm H2O विच ईच ब्रीथ साइकिल, बबलिंग इन अ वाटर सील हैज बीन एबसेंट। हमने बात करी थी कि बबलिंग प्रेजेंट होगी, बबलिंग कैसी प्रेजेंट होगी, इंटरमिटेंट प्रेजेंट होगी। कैसी प्रेजेंट होगी, इंटरमिटेंट, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये कैसी है, नॉर्मल कंडीशन है। पर अगर ये एबसेंट हो गई तो ये कैसी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है फॉर 24 आवर, 24 घंटे तक, ठीक है। एट्रोजेनिक निमोनिया फ्रॉम CVP प्लेसमेंट, याद रखना बच्चों, एट्रोजेनिक जो न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा किससे रिलेटेड देखने को मिलेगी, CVP से, सेंट्रल वीनस लाइन, CVP लाइन, ठीक है। CVP लाइन कहाँ से डालते हैं, यहाँ से डालते हैं। CVP लाइन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स। सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि CVP लाइन के पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, तो क्या आंसर रहेगा, एट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स। सही जवाब दिया बच्चा, डी जो है आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, याद रखना आपकी जो बॉटल है, आपका जो वॉटर सील ड्रेनेज है, कैसा ड्रेनेज है, वॉटर सील। अब वॉटर सील की मैं बात करूं तो वॉटर सील कैसे काम कर रहा है,
वन वे किधर जा रहा है? चेस्ट टू ड्रेन वॉल। भाई वन वे किधर जा रहा है? चेस्ट से ड्रेन बॉक्स की तरफ, ड्रेन बॉक्स से वापस चेस्ट की तरफ ये जाने को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। याद रखना इसमें जो 2 सेंटीमीटर का लेवल है, कितना? 2 सेंटीमीटर का लेवल है। अगर इस लेवल से बिलो चला गया, अगर इस लेवल से बिलो चली गई तो याद रखना इट लूज वॉटर सील प्रॉपर्टी, और वॉटर सील प्रॉपर्टी चली गई तो क्या हो जाएगा? बैक फ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक फ्लो की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये 2 सेंटीमीटर का लेवल आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। द वॉटर सील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम बिकॉज, जो वॉटर सील है, ये वॉटर सील आपके ड्रेनेज सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमने अभी बात करी, ये वॉटर सील वन वे का काम करता है, और वन वे का मतलब ये जो प्लूरल फ्लूड आ रहा है उस प्लूरल फ्लूड के बैक फ्लो को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। कहां जाने से? चेस्ट कैविटी में जाने से। इट इंडिकेट द पोटेंसी ऑफ ट्यूबिंग बाय टाइडिंग विद इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इट अलाउ एयर टू एंटर द प्लूरल स्पेस बट प्रिवेंट एयर फ्रॉम एग्जिटिंग प्लूरल स्पेस। उल्टा बता दिया कि ये प्लूरल स्पेस में जाने को अलाउ तो करता है पर आने को अलाउ नहीं करता है। इट अलाउ एयर टू एग्जिट प्लूरल स्पेस। हाँ भाई, ये प्लूरल स्पेस में एयर को वापस जाने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, अलाउ एयर टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द, अरे भैया फ्री थोड़े मूव कराएगा कि अंदर बाहर कहीं भी आ जा सकते हैं, तो ये क्या करेगा? एंट्री को एग्जिट करेगा, वन वे वॉल्व की तरह काम करेगा और वापस से बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। तो सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर अपन बात करें, द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ द वॉटर सील। द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ वॉटर सील। ठीक है, अभी मैंने बात करी कि जो चैम्बर है उसकी वॉटर सील जो प्रॉपर्टी है वो कब लूज हो जाएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन द ड्रेनेज चैम्बर आर फुल। अगर ड्रेनेज चैम्बर फुल हो जाएंगे तो वॉटर सील खत्म हो जाएगी? नहीं। सक्शन रिमूव्ड और टर्नड ऑफ, सक्शन नहीं होगा तो वॉटर सील नहीं होगा। द मॉन्यूमेंट्री टिपिंग ओवर द एयर एट्रियम ड्रेनेज सिस्टम, एवेपरेशन ऑफ वॉटर, द वॉटर सील चैम्बर बिलो 2 सेंटीमीटर मार्क। टू सेंटीमीटर बिलो मार्क अगर ये रहता है तो इन दैट कंडीशन आपकी वाटर सील प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, मतलब बैक फ्लो जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। रह जाएगी बात ध्यान, अभी हमने बात करी डायग्राम से इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए चेस्ट ट्यूब इन अ पेशेंट विद अ न्यूमोथोरेक्स। एक न्यूमोथोरेक्स का पेशेंट है, एयर फिल है और उस पेशेंट में चेस्ट ट्यूब अगर हमने इंसर्ट कराई है तो चेस्ट ट्यूब का प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस की अगर मैं बात करूं तो चेस्ट ट्यूब क्या काम कर रही थी? रिमूव आउट का काम कर रही थी। सी विल बी योर राइट आंसर। ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्वेश्चन ने पूछा है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है। तो हम क्या सब कुछ बाहर निकाल देंगे? नहीं। फ्लूड के लिए क्या यूज करोगे? हाइड्रोथोरेक्स, कायोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, सॉरी न्यूमो नहीं आएगा, ठीक है, हीमोथोरेक्स, ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना, टू मेजर इंट्रा थोरेसिक प्रेशर नहीं होगा। न्यूमोथोरेक्स का मतलब एयर फिल है और उस एयर फिल की कंडीशन में हमें क्या रिमूव करना है? एयर रिमूव करना है। रह जाएगी बात ध्यान। देखो एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको क्या देखने को मिले, काइलोथोरेक्स, क्या देखने को मिले? काइलोथोरेक्स मतलब क्या प्रेजेंट है? लिम्फ प्रेजेंट है।
अगर आपको देखने को मिले हीमोथोरेक्स, अगर हीमोथोरेक्स है मतलब क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। अगर आपको देखने को मिले हाइड्रोथोरेक्स तो क्या देखने को मिलेगा, फ्लूड। रह जाएगी बात ध्यान, न्यूमोथोरेक्स आपको पता ही है, न्यूमो न्यूमोथोरेक्स का मतलब एयर होता है। ठीक है बच्चा, रह जाएगी बात ध्यान, याद रखना काइलो। काइलो का अपीरियंस कैसा होगा, मिल्की अपीरियंस होगा। अगर पायोथोरेस आपको देखने को मिल जाए मतलब कि क्या प्रेजेंट है, पस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पस प्रेजेंट। ठीक है, हाँ बच्चा सी आपने सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ऑल आर द ट्रू अबाउट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम एक्सेप्ट, सारे ही आपके चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को जस्टिफाई करते हैं सिवाय किसी एक को छोड़कर। ठीक है, वाटर सील चैम्बर शुड हैव कंटिन्यूस बबलिंग, क्या बबलिंग जो है कंटिन्यूस होनी चाहिए। इफ ट्यूब पुल्ड आउट अप्लाई थ्री साइड कवर्ड ऑक्लूसिव ड्रेसिंग, अगर आपकी ट्यूब बाहर निकल गई है, देखो अगर ट्यूब जो है ये रिमूव हो गई, ध्यान रखना बच्चों अगर फ्रॉम चैम्बर से हुई है तो आपको क्या करना है, पुट इन स्टराइल वाटर। अगर ड्रेन चैम्बर से ट्यूब निकली है तो आपको स्टराइल वाटर में रखना है, अगर चेस्ट वॉल से निकली है तो आपको इसको क्या करना है, कवर करना है। कवर कैसे करोगे, थ्री साइड से करोगे। थ्री साइड से कैसे करोगे, ऑक्लूसिव ऑक्लूसिव ड्रेसिंग से करना है। रह जाएगी बात ध्यान, दो तरीके से ट्यूब का डिसलॉज होगा, एक ड्रेनेज चैम्बर से और एक चेस्ट वॉल से। अगर ड्रेनेज चैम्बर से हुई है तो हमें कहाँ डालना है, स्ट्राइल वाटर में। अगर चेस्ट वॉल से निकली है तो हमें क्या करना है, उसको कवर अप करना है। ठीक है, ताकि ओपनिंग को क्लोज करें। और ये क्या कहना चाह रहा है कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो पेशेंट शुड बी प्लेस इन फॉलर पोजिशन। फॉलर पोजिशन में हमको देना ही है ताकि हम पेशेंट का इजीली ड्रेन आउट कर सकें। डिस्कनेक्ट पुट इन द ट्यूब इन स्ट्राइल वाटर, अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो स्ट्राइल वाटर में डालेंगे, यही बात मैंने यहां बताई आपको। हाँ, थ्री साइड कवर आपको ऑक्लूसिव ड्रेसिंग देनी है जब ये चेस्ट वॉल से डिक्रीज हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। पर कभी भी जो बबलिंग है ये कैसी नहीं होगी, कंटिन्यूस नहीं होगी। कैसी नहीं होगी, कंटिन्यूस नहीं होगी। कैसी होती है, इंटरमिटेंट बबलिंग देखने को मिलेगी। अगर कंटिन्यूस है मतलब क्या प्रे है, कंटिन्यूस किसको शो कराता है, लीकेज को। किसको शो कराता है, लीकेज को, एयर लीकेज को शो कराता है। रह जाएगी बात ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नर्सिंग केयर ए पेशेंट विद अ चेस्ट ट्यूब टर्न द पेशेंट टू द साइड एंड द चेस्ट ट्यूब एक्सीडेंटली डिस्कनेक्टेड, आप पेशेंट को केयर दे रहे हो, पेशेंट की ट्यूब पोजीशन चेंज करने में क्या हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई, द इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा। याद रखना बच्चों, अभी मैंने आपको बताया दो कंडीशन, अगर ट्यूब आपके चेस्ट से हो गई रिमूव आउट तो आपको उसको क्लैंप करना है, क्या करना है, क्लैंप करना है, या फिर उसको कवर करना है थ्री साइडेड ऑफ ऑक्लूसिव ड्रेसिंग से। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वो ड्रेन चैम्बर से बाहर आ गई मतलब चेस्ट की कैविटी, प्लूरल कैविटी की आउटर एनवायरनमेंट से क्या हो गई, डायरेक्ट ओपनिंग बन गई, और वो डायरेक्ट ओपनिंग आप में क्या कॉज करेगी, टेंशन न्यूमोथोरेक्स कॉज करेगी। ठीक है, तो उस ओपनिंग को क्लोज करने के लिए हम पिंच करेंगे या क्लैंप कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, या फिर ऑक्लूसिव ड्रेसिंग लगा देंगे। ठीक है, अगर वो ड्रेनेज चैम्बर से बाहर निकल गई तो हम उसको कहाँ डालेंगे, स्ट्राइल वाटर में डालेंगे। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, इन्फॉर्म फिजिशियन इमीडिएटली रिप्लेस द चेस्ट ट्यूब, प्लेस द ट्यूब इन अ बॉटल ऑफ स्ट्राइल वाटर, क्लैंप द ट्यूब इमीडिएटली। देखो अगर ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गई तो आपको क्या कर देना है, उसको स्ट्राइल वाटर में डिप करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। इस चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को ही हम और क्या कह देते हैं, वाटर सील। वाटर सील क्यों कह देते हैं, पेशेंट की देखो क्या भरा हुआ है, एयर भरी हुई है, एयर की कंडीशन को क्या कह देंगे, न्यूमो थॉरेक्स। ये क्या है, चेस्ट ट्यूब। कहाँ है ये जो चैम्बर है, ये कहाँ है, बिलो चेस्ट लेवल ऑफ चेस्ट। हमने बात करी थी चेस्ट के लेवल से बिलो रहेगा ताकि क्या रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फ्लूड कहाँ आएगा, चैम्बर में आएगा। ये ड्रेन चैम्बर है, ये वाटर सील है। वाटर सील में याद रखो मैंने बताया था 2 सेंटीमीटर के लेवल तक रखना है, ठीक है। ये सक्शन प्रेशर है, सक्शन प्रेशर है, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, ध्यान रखना, जब भी न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में आप इंसर्ट कहाँ करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे कराओगे, इंसीजन कैसे बनाओगे, इंसीजन वाया 10 नंबर ब्लेड से बनाओगे। कहीं से बना दोगे, 10 नंबर ब्लेड से बना दोगे। कैथेटर की अगर मैं बात करूं तो कैथेटर याद रखना बच्चों 20 से 40 फ्रेंच 20 to 40 फ्रेंच जो है एक कॉमन साइज है, इसके अंदर अंदर आपको क्या लगाना है, यूज करना है, ठीक है बच्चों, रह जाएगी बात ध्यान। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, हाउ डू यू नो दैट इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इज फंक्शनिंग, आपको कैसे पता चलेगा कि जो चेस्ट ट्यूब आपने डाली हुई है वो प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो याद रखो हमने बताया था कि उसमें क्या प्रेजेंट होगा, ऑसिलेशन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, ऑसिलेशन प्रेजेंट होगा। सी जो है आपका राइट आंसर होगा, ऑसिलेशन क्यों होगा, ऑसिलेशन है, फ्लक्चुएशन है वाटर का तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर ये एब्सेंट होगा, एब्सेंट है तो क्या दिखाएगा, ये लीकेज, लीकेज या फिर ब्लॉकेज, सॉरी ब्लॉकेज, ब्लॉकेज दिखाएगा, और ब्लॉकेज के अलावा या फिर फुल लंग एक्सपांड, ठीक है। तो ऑसिलेशन ऑफ वाटर इन ड्रेनेज चैम्बर क्या दिखाएगा, कि आपका जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर से काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कंटिन्यूस बबलिंग इन वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज इज कंसीडर्ड एज कंटिन्यूस बबलिंग। कंटिन्यूस बबलिंग कैसी बबलिंग होनी चाहिए, इंटरमिटेंट। कैसी होनी चाहिए, इंटरमिटेंट। और अगर कंटिन्यूस है तो वो किसको शो कराएगी, एयर लीकेज को। किसको शो कराएगी, एयर लीकेज को। तो डी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ नर्स केयरिंग ए पेशेंट विद चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। एक नर्स पेशेंट को केयर दे रही है, क्या लगी हुई है, चेस्ट ट्यूब लगी हुई है। शी मॉनिटर देयर इज नो फ्लक्चुएशन। ऑसिलेशन क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, और एक्सिलेशन एब्सेंट हो गया। व्हाट नर्स शुड अंडरस्टैंड, ऑसिलेशन प्रेजेंट ही नहीं है तो मतलब कि क्या हो गया, दो कंडीशन है, या तो क्या हो गई, ब्लॉकेज है, या लंग एक्सपांड है। यही बताया था मैंने, दो कंडीशन। वेरी गुड, गुड इवनिंग बच्चा। कंसीडरिंग इट नॉर्मल, नॉर्मल नहीं होगा, ऑसिलेशन प्रेजेंट होता है वो कंडीशन नॉर्मल होती है। ट्यूब इज किंग्ड, किंग्ड का मतलब ब्लॉक या फिर क्लॉक। क्लॉक का मतलब ये होता है कि ब्लॉक हो जाना, बंद हो जाना, बीच में रुक जाना, सही बात है। बी होगा फुल लंग एक्सपेंशन, ये भी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। बी और सी आपको दोनों ही कंडीशन देखने को मिलेंगी। वेरी गुड इवनिंग बच्चा, ठीक है। तो डी आपका जो होगा राइट आंसर होगा। सॉरी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए नर्स इज असिस्टिंग ए फिजिशियन, आप एक फिजिशियन को असिस्ट कर रहे हो एज ए नर्स विद द रिमूवल ऑफ चेस्ट। प्रोसीजर क्या है, रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब। आप चेस्ट ट्यूब को रिमूव आउट कर रहे हो, द नर्स
मोस्ट अप्रोप्रिएटली इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट, आप क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे? बच्चा आंसर देने से पहले आपको हमेशा क्वेश्चन के सारे ऑप्शन पढ़ने हैं कि आप सारे ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। पहला कह रहा है कि इनहेल एंड एक्सहेल क्विकली, क्विकली इनहेल एक्सहेल कराओगे तो रप्चर होने के चांसेस हैं। एक्सहेल एज द ट्यूब इज पुल्ड आउट, बी आप सही जवाब दे रहे हो। बच्चा बी सही है पर इसमें एक स्टेप छूटा हुआ है, डू नॉट मूव, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन इज सेइंग परफॉर्म वाल्सल्वा मैनेवर, वाल्सल्वा मैनेवर क्या कहता है? वाल्सल्वा मैनेवर कहता है बच्चा कि टेक ए डीप ब्रीथ, टेक ए डीप ब्रीथ, उस डीप ब्रीथ को आपको क्या करना है, होल्ड करना है, होल्ड करना है, तो होल्ड के बाद में आपको क्या करना है उसको एक्सहेल करना है, और जब आप एक्सहेल करने हैं तो इसी दौरान आपको क्या करना है, पुल आउट ट्यूब, पुल आउट ट्यूब करेंगे तो यहां कौन सा इफेक्ट लगेगा, बियर डाउन इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट लगेगा बच्चों, बियर डाउन इफेक्ट। वापस से ध्यान से सुनना, सर दोबारा बताना, समझ नहीं है। हाँ बच्चा जरूर, देखो प्रोसीजर क्या है, एक फिजिशियन क्या कर रहा है, ट्यूब को रिमूव आउट कर रहा है, चेस्ट ट्यूब को रिमूव आउट कर रहा है। जब रिमूव आउट करना है तो आपको पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट देना है, तो इंस्ट्रक्ट के दौरान हम एक टर्म यूज रखते हैं बच्चा, वो रखते हैं वाल्सल्वा मैनेवर। क्या कहते हैं? वाल्सल्वा मैनेवर। वाल्सल्वा मैनेवर किसको कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या रखना है, सबसे पहले आपको पेशेंट को कहना है कि डीप ब्रीथ लेनी है, उस डीप ब्रीथ को आपको होल्ड करना है, और होल्ड के बाद जब आप एक्सहेल करेंगे तो ड्यूरिंग द एक्सहेल आपको पुल ट्यूब को क्या कर देना है, बाहर निकालना है। इसके दौरान क्या दिखेगा, बियर डाउन इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा बच्चा, बियर डाउन इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहां पर आपको कहा गया था कि एक्सहेल ट्यूब इज पुल्ड आउट, आधा ही प्रोसीजर था, वाल्सल्वा मैनेवर में ये पूरा स्टेप आता है, इसलिए हम ऑप्शन में डी जो है क्या कंसीडर्ड करेंगे, राइट आंसर कंसीडर्ड करेंगे, डी जो है आपका सही जवाब होगा। ट्यूब को रिमूव आउट करते टाइम वाल्सल्वा मैनेवर के लिए पेशेंट को कहना है, वाल्सल्वा मैनेवर का मतलब क्या होता है कि डीप ब्रीथ लेना, लंबी सांस लेना, उसको होल्ड करना, और जब आप उसको एक्सहेल करेंगे तो एक्सहेल के दौरान आपको ट्यूब को क्या करना है, बाहर की तरफ पुल आउट करना है। बच्चा ध्यान, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ देखो, व्हाट साइज ऑफ चेस्ट ट्यूब कैथेटर इज यूज्ड इन, साइज की अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चों, अडल्ट में आपसे पूछी गई है ना, तो याद रखना कॉमन जो साइज अपन यूज करते हैं दैट इज अबाउट 20 से 40 फ्रेंच के जो है कैथेटर अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं अडल्ट, पूरा लिख देता हूं सॉरी, एक होता है अडल्ट, एक होती है चाइल्ड में, और एक आपको देखनी है इन्फेंट में। तीन कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी, तीन कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो इन्फेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, 12 से 14 फ्रेंच का जो कैथेटर है वो आप इंसर्ट करेंगे। कितना करेंगे, 12 से 14 फ्रेंच, ठीक है बच्चों। बच्चों की अगर अपन बात करें तो बच्चों में कितने फ्रेंच का देखने को मिलेगा, 18 फ्रेंच। बड़ों की मैं बात करूं तो 28 से 32 फ्रेंच आपको देखने को मिलेगा। याद रखना 26 फ्रेंच यूज करते हैं न्यूमोथोरेक्स में, न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में 26 फ्रेंच का आप यूज करोगे, हिमोथोरेक्स की कंडीशन आपको जो देखने को मिलेगी वो 30 से 32 फ्रेंच का देखने को मिलेगा हीमो वाला, और हाइड्रो वाले के अंदर आप जो देखेंगे वो देखेंगे 36 to 40 फ्रेंच का। रह जाएगी बच्चों बात ध्यान, यहां हमने अडल्ट की बात करी है तो अडल्ट में कितना देखेंगे, 28 to 32, तो ए जो है आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, इफ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लाइन इज ब्रोकन, क्या हो गई, लाइन ब्रोक हो गई, चैम्बर टूट गया, बॉटल टूट गई, इंटरप्टेड, द नर्स फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी। देखो अगर चैम्बर टूटा है, सिस्टम टूटा है, मतलब क्या हो गई, चैम्बर से ट्यूब पुल आउट हो गई,
पुल आउट हो गई मतलब चेस्ट ट्यूब अंदर तो इंसर्टेड है, अगर अंदर इंसर्टेड है तो अंदर और बाहर के बीच में क्या बन गया, एक ओपन लिंक बन गया, उस लिंक को क्या करना है हमें क्लोज करना है। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को इमीडिएटली क्लैंप करना है। डी जो है आपका सही जवाब होगा। डॉक्यूमेंट बाद में करेंगे, पेशेंट फिजिशियन को इन्फॉर्म भी बाद में करेंगे, अगर आप छोड़ देंगे तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ज्यादा टाइम तक आपको क्या नहीं करना है, क्लैंप नहीं करना है, नॉट प्रोलॉन्ग, ज्यादा टाइम तक आपको ट्यूब को प्रोलॉन्ग क्लैंप नहीं करना है। ठीक है बच्चा, रह जाएगी बात ध्यान। नेक्स्ट, हाँ देखो हमने किस किस बारे में बात करी, हमने बेसिक बात करी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को ही इंटरकोस्टल ड्रेनेज कहते हैं। इंटरकोस्टल ड्रेनेज के लिए जो कैथेटर यूज कर रहे हैं उसके लिए हम क्या नाम देते हैं, ट्रकोर ट्यूब या ब्यूअल ट्यूब। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके लोकेशन की, तो लोकेशन की बेटा ध्यान रखना, 2/3 इंटरकोस्टल स्पेस निमोथोरेक्स में रखते हैं, हिमोथोरेक्स में 7-8 रखते हैं, हाइड्रोथोरेक्स में 8-9 रखते हैं, और 8-9 आपका सेफेस्ट जोन है। फ्लूड के लिए ज़्यादातर 7-9 यूज़ करते हैं, और 4-5 आप इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात थी ऑप्शन की, लोकेशन की हो गई। साइज की अगर मैं बात करूँ तो 20-14 फ्रेंच का आप यूज़ करेंगे, 10 नंबर की जो ब्लेड है आप यूज़ करेंगे। वाटर सील प्रॉपर्टी जो होती है ड्रेनेज चैम्बर की, वो 2 सेंटीमीटर लेवल अबव भरी हुई होनी चाहिए, उससे क्या होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। इसमें जो देखने को मिलता है वो ऑसिलेशन देखने को मिलता है, ऑसिलेशन क्या होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर कॉलम। अगर फ्लक्चुएशन है मतलब नॉर्मल है, अगर फ्लक्चुएशन नहीं है मतलब कि ट्यूब क्या हो गई, किंक हो गई, किंक क्या फिर क्लॉट हो गई, क्लॉग हो गई, ब्लॉक हो गई, अगर या तो ब्लॉक हो जाएगी या फिर चेस्ट पूरे एक्सपांड हो जाएंगे, इन दोनों कंडीशन में ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वाटर चैम्बर में आपको बबलिंग देखने को मिलेगी, तो नॉर्मल जो कंडीशन होगी उसमें कैसी बबलिंग होगी, इंटरमिटेंट बबलिंग होगी। कैसी बबलिंग होगी, इंटरमिटेंट बबलिंग होगी। अगर वो बबलिंग कंटिन्यूस है मतलब कहीं ना कहीं से एयर का लीकेज है, क्या हो जाएगा, एयर का लीकेज है। रह जाएगी बात ध्यान। तो देखो बच्चों, ये जो है आपका क्या है, प्लूरल स्पेस है। इस प्लूरल स्पेस में क्या प्रेजेंट है बच्चों, इस प्लूरल स्पेस में एयर प्रेजेंट है, और एयर को क्या कह देंगे, न्यूमोथोरेक्स। 3 चैम्बर है, ये वाटर सील चैम्बर है, ये 2 सेंटीमीटर लेवल तक भरा हुआ ना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ड्रेन कलेक्ट होता है। ये कौन सा वाला पार्ट है, सेकेंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। रह जाएगी बात ध्यान, चेस्ट ट्यूब है, कभी भी आपको 1000 ml से ज्यादा ड्रेन नहीं निकालना है, वरना पेशेंट में शॉक की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चा, तो ओवरऑल हमने किसके बारे में बात करी, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के बारे में बात करी, होता क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कितने दिन के लिए करते हैं, क्या सावधानी बरतनी है, कैसे इंडिकेशंस हैं, क्या पोजीशन है, क्या साइज है, ओवरऑल सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। जिस तरीके के एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझ आया होगा, और डिटेल स्टडी करने के लिए आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, अलविदा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।